हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर के सेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें हम बहुत सारे फैक्ट्स के साथ अपनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो पिछले महीने हो चुके हैं इवेंट्स उनको भी साथ साथ इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों की पीछे वाली करंट अफेयर्स भी कवर होती चले। तो स्वागत है आप सभी का, दिस इज शुभम ग्रोवर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस पहले सवाल के साथ अपनी क्लास को। क्या कहता है 12 दिवसीय, है ना? अब हम क्या कहते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो एक फेस्टिवल ऐसा जो कि अगर हम बात करें कि इन विच सिटी वॉज द 12-day-long पुष्करालू महोत्सव और फेस्टिवल रिसेंटली हेल्ड, भाई कहाँ पर हेल्ड हुआ है। सबसे पहले जानना यह है कि ये फेस्टिवल है कहाँ का। हेल्ड तो हो गया भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्णा सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करी जाए ये कौन सा फेस्टिवल है। जैसे स्नान फेस्टिवल नहीं होता, जैसे कुंभ फेस्टिवल बनाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं फेयर जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, पुष्कर मेला राजस्थान के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, एग्जैक्टली वैसा ही फेस्टिवल है, एक स्नान से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है, बट है किसका, जो लोग तेलुगु के हैं, जो लोग तेलुगु स्पीकिंग पर्सन है उनका ये फेस्टिवल जो है वह हो जाता है। तो सबसे पहली बात हम लोगों को यह लिखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि फेस्टिवल जो है वो कनेक्ट कहाँ से आप सभी का, ठीक है। तो ये क्या है भाई, तेलुगु स्पीकिंग फेस्टिवल है, ठीक है। एक तो तेलुगु बोलने वाले लोग, दूसरा कैसा फेस्टिवल है, दूसरा ये जुड़ा है स्नान से, बाथ से जुड़ा है भाई। जैसे कि रिवर्स के अंदर हम कह सकते हैं कृष्णा, गोदावरी, गंगा, इन सभी रिवर्स से जुड़ा हुआ है। कृष्णा, गोदावरी, है ना, गंगा, इन सब रिवर के स्नान से ये कनेक्ट है। बट ये हेल्ड कहाँ होता है, वह शुरुआत जो है इसकी कहाँ होती है, 22 अप्रैल को ये शुरू होता है और 3 मई तक ये चलने वाला है, यानी कि कल तक ये फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है शुरुआत होती है इसकी, स्टार्ट जो है वो कब होती है, 22 अप्रैल। एंड अगर हम बात करें एंड कब होगा, तो 3 मई को ये एंड हो जाएगा। अब ये सेलिब्रेट कहाँ पर करा गया, ऑर्गेनाइज जो है वो कहाँ पर करा गया है भाई, पुष्कर नहीं, आप आंसर लगा रहे हो राजस्थान के हिसाब से, जैसे कि राजस्थान के अंदर फेयर लगाया जाता है, पुष्कर मेला, नहीं जी ये नहीं है, ये गलत है ना, ये जो है वो गलत है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्तिक फेयर भी कहते हैं, कार्तिक फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो यह ऑर्गेनाइज किया गया है आप लोगों का उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर, कहाँ पे भाई, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर इसको ऑर्गेनाइज जो है वह किया गया है, उत्तर प्रदेश, ठीक भाई। अब अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी हाल ही में एक समिट भी ऑर्गेनाइज करी गई मार्च के महीने में, जरा बताइएगा मुझे कि टीबी जो डे है ना भाई, कौन सा टीबी का जो डे है वो कब ऑर्गेनाइज किया जाता है भाई, और ये जो समिट होती है टीबी से रिलेटेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑर्गेनाइज करते हैं वाराणसी के ही अंदर भाई। तो अगर हम बात करें वाराणसी की ही, तो टीबी समिट ऑर्गेनाइज की जाती है, टीबी समिट जो है वे ऑर्गेनाइज आप लोगों की यहां पर करी जाती है बाय वो हुम, बाय पीएम नरेंद्र मोदी। और आप सभी समझते हैं बहुत अच्छे से कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या मिला है, जीआई टैग जो है वह मिला है। क्या मिला है भाई, जीआई टैग जो है वह मिला है, जिसमें से अगर हम बात करें एक पान की वैरायटी है बनारसी पान, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो और क्या मिला है आप लोगों के, जो अलीगढ़ के लॉक्स है ना, ताले, उनको जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद बात करी जाए और क्या चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंगो की वैरायटी होती है भाई बहुत सारी, उनको क्या मिला है, जीआई टैग जो है वह दिया गया है। क्लियर जी, बिल्कुल। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको एनोटेशन वाली, और इसकी शीट भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको, ठीक है भाई, नमस्ते सभी को, क्लियर। 24 मार्च को, यस बिल्कुल सही है, 24 मार्च को टीवी डे जो है वे ऑर्गेनाइज किया गया था। जरा मुझे इसकी थीम बताइएगा कि इसका विषय जो है, इसकी थीम जो है वे क्या रही है भाई इस बारी,
जल्दी बताइए इसकी थीम जो है वे क्या रही है। क्लियर आप सभी को यहाँ तक? बहुत सुंदर। हाँ जी मैंगो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों का क्या बात यहाँ पर करता है, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है आप लोगों से कि एक एक इनिशिएटिव लिया गया है, बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है। कहता है आप लोगों से मकलाई थेडी मेयर नाम का एक इनिशिएटिव जो है वे लिया गया। अब ये कौन से राज्य द्वारा लिया गया, इस इनिशिएटिव के अंदर क्या होगा, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको क्या करी जाएगी, जो भी प्रॉब्लम से वे फेस कर रहे हैं। आर प्रिया यहाँ की क्या एक मेयर है, कौन है भाई आर प्रिया, इस पर्टिकुलर स्टेट वो शहर की क्या है मेयर है, और वो क्या करेंगी, वो विजिट करेंगी हर 15 डेज में, है ना, हर 15 डेज के अंदर। यहाँ पर टोटल 15 जोन्स हैं उसके अंदर, और लोगों की जो भी पिटीशन उन्होंने डाल रखी है, जो भी उन्होंने कंप्लेन डाल रखी है, जो भी उनको दिक्कत हो रही है उन सिटीजन्स को, वो उन चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। हालांकि पहले इस शहर ने ऐसी कंप्लेन के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो प्रोवाइड कर रखा है, थोड़े समय पहले क्या किया था हेल्पलाइन नंबर जो है वो प्रोवाइड करा था, दैट इज 1913। बट अगर बात करी जाए यहाँ पर तो यह ये क्या आंसर हो जाएगा इसका। ओके जी ओके, बिल्कुल स्लो हो जाएंगे, दीजिए आंसर आगे बताइए भाई, कौन सा ऐसा शहर है जिसके अंदर ये कार्य जो है वे किया जा रहा है भाई। बहुत सुंदर, देखो इसको ऑर्गेनाइज्ड या फिर इस इवेंट का स्टार्ट कब करा जाएगा, तो उसको मतलब इस इवेंट को स्टार्ट किया जाएगा 3 मई यानी कि कल के दिन, है ना भाई, कल है ना 3 मई, तो कल के दिन इसको क्या किया जाएगा ऑर्गेनाइज्ड जो है वह किया जाएगा। और ये कौन सी जगह पर किया गया, तो चेन्नई के अंदर करा गया। कहाँ पर करा गया, तमिलनाडु के अंदर ये जो है वह करा गया है, बी नहीं भाई कोयम्बटूर नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा चेन्नई। फिर अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ के रिस्पेक्ट में, है ना, जो कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु में अभी हाल ही में क्या हुआ, यहाँ के जो राज्यपाल है जिसको हम कहते हैं गवर्नर, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने सुझाव दिया, आरएन रवि यहाँ के गवर्नर हैं, उन्होंने क्या दिया सुझाव दिया भाई कि क्या करा जाए, तमिलनाडु का नाम जो है वे चेंज करा जाए। तो क्या नाम दिया इन्होंने कि क्या रखना चाहिए, तो इन्होंने बोला तमीजगम रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए भाई, तमीजगम। तो इससे क्या होता है, जहां ये सभा बैठती है भवन के अंदर, यहाँ के सीएम वगैरह सब भड़क उठते हैं इनके नाम पर, काफी ज्यादा ट्वीट जो है वह करते हैं। अब ट्वीट करने के बाद क्या होता है, बाद में ये बताते हैं कि तमीज गम का अर्थ और मीनिंग जो है वो क्या होता है। मीनिंग होता है कि जहां पर तमिल के निवासी जो है वो वास करते हैं, यानी कि सिटीजन ऑफ तमिल, ठीक। तो अब ये हो जाता है तमिलनाडु के आप लोगों के अंदर। क्लियर भाई, बी आप नहीं, बी नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का, ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा भाई। क्लियर, चले भाई। अभी तमिलनाडु के अंदर बहुत सारी वराइटीज ऑफ हम कह सकते हैं न्यू स्पीसीज जो है वह खोजी गई, जिसके अंदर फिश की वराइटी है, फिश की कैटेगरी है, जिसको आप एले फिश भी कहते हैं, ठीक। ये अभी फाइंड करी गई है कुछ समय पहले। फिर बात करी जाए आप लोगों से, तो यहाँ पर और क्या पाया गया है, यहाँ पर जो नीलगिरी माउंटेन्स होते हैं, है ना, उसके पास में एक तहार होता है, तहार एनिमल होता है, एंडेंजर्ड एनिमल है, वो पाया गया है। क्लियर, समझ गए यहाँ तक, चलो। हाँ जी बिल्कुल सही है। सवाल अगला क्या बात आप लोगों से जो है वह करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बात करता है, कहता है आप लोगों से कि बैंक, विश्व बैंक की बात करी है, और विश्व बैंक आप लोगों को पता है काफी ज्यादा अभी हाल ही में चर्चाओं में भी बना रहा। कहता है आप लोगों से कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को 3 परियोजनाओं के लिए $1.25 अरब का ऋण जो है वे दे दिया, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने क्या करा है, जैसे कि वो लोन देता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को, आप सभी को पता है, अपने अपने प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, तो ऐसे ही कितना भाई लोन दिया है, 1 अरब 25 मिलियन का।
तो बात करी जाए ये लोन दिया क्यों है। हम सभी जानते ग्रीन एनर्जी की टूवर्ड्स सभी के सभी देश जो हैं वो मूव कर रहे हैं, तो ग्रीन एनर्जी की जब यहाँ पे बात करी जाए आप लोगों से, ठीक है, इसके लिए दिए हैं। और इसके अंदर टोटल अगर हम बात करते हैं कितने प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट हैं। कितने भाई? 3 प्रोजेक्ट जो है वह हो जाते हैं। फिर कहता है आप लोगों से पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नन ऑफ द अबव, ये इनमें से क्या आंसर बनेगा। इससे जुड़ी हुई चीजों की बात करें तो यहाँ पे अभी 22 नंबर की या फिर हम कह सकते हैं 22वें नंबर के नए राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हुए हैं। जरा बताइएगा कि 22वें नंबर के प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे कौन अपॉइंट करे गए हैं, प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट करे गए हैं, ठीक है। पर्टिकुलर ये हमारा एक नेबरिंग कंट्री ही जो है वह हो जाती है। भाई पीडीएफ मिल जाएगी दिव्यांशी, परेशान ना हो आप, है ना। एप्लीकेशन पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी और दूसरा आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएंगी। आप फिलहाल पढ़िए, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा गेन करने के लिए मिलेगा यहाँ पे। नहीं, श्रीलंका जो है इसका गलत आंसर है, श्रीलंका इज नॉट द करेक्ट वन, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ राइट आंसर की तो क्या हो जाएगा। अच्छा मैं क्लू देती हूँ आपको, यहाँ की जो पीएम है ना, प्रेसिडेंट तो मैंने आपसे पूछी, वो शेख हसीना है, है ना। आप लोगों को हमेशा याद करवाया जाता है कैसे कि एक ऐसी हसीना, बहुत सुंदर सी हसीना, है ना। पहले यहाँ पे अब्दुल हामिद हुआ करते थे प्रेसिडेंट, बट अब जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। तो जरा बताइएगा कि शेख हसीना का ये कंट्री जो है वह हो जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बांग्लादेश। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बट बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में बात करी जाए तो बहुत सारे फैक्ट्स निकल कर आते हैं, जैसे कि अभी वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए, उससे बाद भारत ने इसके लिए क्या करा। भारत का लिखते हैं क्योंकि भारत ने भी अपने श्रीलंका यानी कि सॉरी बांग्लादेश यानी कि अपने ही नेबरिंग कंट्री को क्या करिए, हेल्प जो है वह करिए। पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? पहले बांग्लादेश को आप लोगों का ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, यानी कि इसका फॉर्मर नेम, फॉर्मर नाम जो है वह हो जाता है ईस्ट पाकिस्तान, ठीक भाई। अब अगर बात की जाए इंडिया ने कैसी कैसी हेल्प जो है वह करी है बांग्लादेश की, 75 बसेस दी हैं भाई, डबल डेकर, इलेक्ट्रिफाइड बिल्कुल। थोड़े समय पहले भारत के अंदर ही इसका अनावरण किया गया था, लॉन्च करा गया था, टेस्ट किया गया था सक्सेसफुल। अब इसने क्या करा, बांग्लादेश को दी 75 डबल डेकर बसेस, इलेक्ट्रिफाइड बिल्कुल, ठीक है, ग्रीन एनर्जी से चलने वाली। दूसरे की बात करी जाए तो बांग्लादेश को क्या करा इंडिया की तरफ से, जो अडानी ग्रुप्स है, है ना भाई, क्या है अडानी जो ग्रुप्स है, इसने क्या करा भाई, इसने दिए कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ सप्लाई दिया। और सबसे पहले अडानी ग्रुप ने अपना नया एक प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट जिसको आप कह सकते हो, झारखंड के अंदर एस्टेब्लिश करा। और उस प्लांट से क्या किया गया, उस प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया गया भाई किसको, बांग्लादेश को, ठीक है। गौतम अडानी और जो पीएम है यहाँ की, उनके बीच में क्या होती है, एमओयू जो है वो साइन होता है। फिर क्या किया जाता है यहाँ पर, तो अभी आप लोगों ने देखा था गैस पाइपलाइन सिस्टम, गैस पाइपलाइन जो सिस्टम है वह भी क्या किया गया, यहाँ पर लगाया गया। कहाँ पर भाई, बांग्ला देश के अंदर। फिर थोड़ी सी बात कर ली जाए, बांग्लादेश में तो पड़ोसी देश है, यहाँ की राजधानी ढाका, यहाँ की मुद्रा टका हो जाती है, क्लियर भाई सभी को यहाँ तक। फिर क्या बात होती है यहाँ पर, 22वें जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं आप लोगों के, शहाबुद्दीन छप्पू, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ से और निकल कर आता है, वो निकल कर आता है किसका, वर्ल्ड बैंक का, है ना। तो वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करते हैं आप सभी से, तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक सबसे पहले कहता है कि मेरा हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, ठीक है, यानी कि यूएसए के अंदर जो है वह आ जाता है। फिर क्या कहता है, कहता है एस्टेब्लिशमेंट होती है जुलाई 1944 के अंदर। अभी हाल ही में जो यहाँ के प्रेसिडेंट कह सकते हैं हेड, उन्होंने क्या दिया, रिजाइन दिया, वे कौन थे, डेविड मालपास, डेविड मालपास थे।
बट हमारे इंडियन अपॉइंट करे गए एज एन प्रेसिडेंट अजय बंगा, और किसके द्वारा नॉमिनेट करे गए थे? तो यह नॉमिनेट करे गए प्रेसिडेंट ऑफ यूएस द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस द्वारा, जिनका नाम क्या हो जाता है? जॉय बाइडेन। ठीक भाई, समझ गए सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक? क्लियर है? चलो बहुत ही सुंदर। ठीक है, 1944 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो है वह करी जाती है। एक बार क्लास को मिलकर सभी स्टूडेंट्स शेयर भी करेंगे, है ना, सभी तक पहुँचे भी तो सही क्लास। कल प्रियांशी मैं नहीं थी, कहाँ, कौन से टाइम टेबल वाले उसके अंदर, है ना, टाइम टेबल वाले में नहीं थी मैं जब टाइम टेबल लॉन्च किया गया था। स्टिल वैसे तो हूँ, है ना, लॉन्चिंग में आपने देखा नहीं लगता मुझे। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। कहता है सुप्रीम किस मंत्रालय की पहल है ना? सुप्रीम जो है वो एक इनिशिएटिव है जो कि लिया गया कौन से हमारे कैबिनेट द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं अपने कैबिनेट मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री द्वारा। तो जरा बात करते हैं सुप्रीम की। सुप्रीम क्या है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीजों को अपग्रेड करने की जरूरत होती है हमेशा, है ना, क्या होती है, बहुत सारी चीजों को अपग्रेड जो है वो करने की जरूरत जो है हमेशा लगी रहती है। और ये सपोर्ट है किसका? अपग्रेशन का, है ना, किसका भाई? अपग्रेशन का, रिपेयर करने का, प्रिवेंट करने का। तो ये है सुप्रीम आप लोगों की। बहुत सारी चीजें जैसे कि हमारी साइंस से जुड़ी हुई चीजें, है ना, बहुत सारी हम कह सकते हैं साइंस से जुड़े हुए कार्य हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि मिसाइल्स हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें, राइट। तो एक इनिशिएटिव है वो कौन सी गवर्नमेंट द्वारा जो है, या फिर कौन से मिनिस्ट्री द्वारा जो है वह लिया गया है, तो बताइए भाई। हाँ बहुत सुंदर। डी जो आंसर आ रहा है भाई, डी इसका करेक्ट आंसर नहीं है ना, डी जो है इसका आंसर नहीं है। सोशल वेलफेयर भी इसका आंसर जो है वो नहीं बनेगा। ओके, और आंसर देंगे क्या, इसका करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा। और बताइए, एक सेकेंड दीजिएगा बस। एक सेकंड दीजिएगा बस यार, थोड़े से कमेंट करने चाहिए। ए, शिव का आंसर बहुत सही आया कि मैम इसको जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस द्वारा जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा कैबिनेट है या फिर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, बिल्कुल सही है। या फिर हम कह सकते हैं ये इनिशिएटिव जो है वो इस गवर्नमेंट द्वारा जो है वह लिया गया है। भाई कंप्यूटर भी मैं ही पढ़ाऊंगी, परेशान क्यों हो रही, पहले एक चीज तो पढ़ लो, एक समय पर एक ही चीज पढ़ाऊंगी ना, दो तो नहीं पढ़ाऊंगी, है ना भाई। वीडियो कौन सी छिप रही है भाई? ठीक है चलो, अब ये क्या करेगा, ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा आप लोगों का, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वह भी देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया ये कार्य है। जरा मुझे यहाँ के मिनिस्टर का नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ के मंत्री, यहाँ के मिनिस्टर जो है वो कौन हो जाते हैं, हु इज द मिनिस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैबिनेट, बताइए कौन हो जाते हैं मिनिस्टर। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। ए बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा भाई, ए सही है इसका, बी इसका आंसर जो है वो नहीं है ना भाई, क्या है, ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। तो अब ये बात करता है कि सुप्रीम का एक फुल फॉर्म जो है वो भी हमें पता होना चाहिए। कहता है द सपोर्ट फॉर द अपग्रेडेशन प्रिवेंटिंग रिपेयर एंड द मेंटेनेंस फॉर द इक्विपमेंट्स, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो चीजें यूज करी जा रही हैं जिसके अंदर साइंस के अंदर, उसके रिपेयर के लिए, उसके अपग्रेड के लिए सुप्रीम जो है वो लाया गया है। क्लियर, जितेंद्र सिंह बहुत ही सुंदर, कौन हो जाएंगे, जितेंद्र सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलें भैया आगे, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों से जो है वो क्या बात करता है, पूछता है आप लोगों से रिसेंटली विच स्टेट और यूटी हैज अप्रूव्ड 29 एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 50 बिलियन 13 करोड़ इन द नेक्स्ट 5 ईयर। भाई देखो क्या करा है,
13 करोड़ की लागत के साथ, 50 अरब 13 करोड़ की लागत के साथ 29 एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को जो है वो शुरू करा जा रहा है। अब ये कौन से राज्य या वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश, कौन से स्टेट व कौन सी यूटी के अंदर जो है वो लॉन्च करा जा रहा है? तो ग्रीन एनर्जी भी, उसके लिए भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और ग्रीनरी के लिए भी इनिशिएटिव जो है वे ली जा रहे हैं। बाकी ग्रीनरी के अलावा अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर उसी के अंदर तो इंक्लूड हो रहा है, एग्रीकल्चर के अंदर इवन ग्रीनरी जो है वो इंक्लूड की जा रही है। अब अगर बात करते हैं हम लोग आप लोगों से, तो 29 कृषि परियोजना है, 29 आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स जो है वह हो जाते हैं। तो बताइए भाई कौन से राज्य व कौन से केंद्र शासित प्रदेश द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है? अभी हाल ही में इसी जगह पर क्या किया गया, ट्यूलिप गार्डन को भी ओपन करा गया है। ठीक है, क्या किया गया है? हाँ जी मिल जाएगी, परेशान मत होइए प्रियांशी। देखो कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगी, हमेशा पढ़ाती हूँ और हमें आपको अभी भी पढ़ाऊंगी कंप्यूटर। फिलहाल आप लोग पढ़ लीजिए, जैसे कंप्यूटर का टाइम टेबल आता है कंप्यूटर की क्लासेस भी आप सभी की मेरे साथ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर भाई सभी को? गुजरात द्वारा नहीं लिया गया भाई, मिस्टर हिटलर जी क्लास अभी ले लो, कंप्यूटर की क्लास के बारे में भी आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। भाई जम्मू कश्मीर, भाई MP भी आंसर आया मेरे पास, अलग अलग सभी आंसर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश गलत है, गुजरात भी गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलो आपको बताया भी गया, क्लू भी दिया मैंने, ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों ने क्लू को उठाया नहीं। मैंने क्या बोला यहाँ पे, अभी हाल ही में ट्यूलिप गार्डन को भी ओपन करा गया था, ट्यूलिप गार्डन जो है उसको भी क्या किया गया था, ओपन जो है वह किया गया था, जिसके अंदर 68 काइंड ऑफ वैरायटी के, ठीक है, क्या थे, प्लांट्स नहीं बोलेंगे हम, फ्लावर्स बोलेंगे, क्योंकि फ्लावर्स के लिए तो होता है ये, क्या भाई, फ्लावर्स को लगाया गया था। फिर इसी राज्य के, सॉरी इसी केंद्र शासित और राज्य जो भी आप कह सकते हो आंसर जो दोगे, उसमें सेकेंड ट्यूलिप गार्डन को भी ओपन किया गया, सेकेंड ट्यूलिप गार्डन को भी ओपन करा गया। हाल ही में यहाँ पर एक फेस्टिवल भी बनाया गया जो कि CRPF द्वारा बनाया गया और कैंपस में जाके बनाया गया, कॉलेज कैंपस में जाकर। वो फेस्टिवल का नाम था जशन ए चिल्लाही, क्या था भाई, जशन ए चिल्लाही, बिहार भी गलत है, जशन ए चिल्लाही। कैंपस के अंदर जाकर एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, और उसके अंदर इंक्लूड थे भाई कौन, हमारी एक फोर्स CRPF। और बात करी जाए तो वो फेस्टिवल था जशन ए चिल्लाही। ठीक है, फिर बात करी जाए यहां पर एक शिकारा बोट फेस्टिवल भी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन सा भाई, शिकारा, अब तो आंसर दे दो, शिकारा बोट फेस्टिवल भी यहाँ पर अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। ये क्या है, एक बोट फेस्टिवल है, एक रेसिंग फेस्टिवल होता है, इसके अंदर लोग अपनी बोट को कपड़ों से, ठीक है, वह हम कह सकते हैं पेंट से क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं और रेस जो है वे लगाते हैं। यहाँ पे हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील व फ्रेश वाटर लेक भी मिलती है, दैट इज वूलर लेक, है ना, कौन सी भाई, वूलर लेक देखने के लिए मिलती है जो कि फ्रेश वाटर लेक है। और ये जो फेस्टिवल है ये किया जाता है डल लेक के अंदर। अभी इसी डल लेक के अंदर लास्ट ईयर ATM भी ओपन करा गया था, तो पहला हम कह सकते हैं एक ऐसा ATM जो कि लेक के अंदर ओपन किया गया टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सही आंसर अब आप लोगों ने यहाँ पर दे दिया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। और ये अप्रूव्ड जो है, है ना भाई, इतने सारे पैसों के लिए अप्रूवल भी लिया होगा, तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या फिर आप कह सकते हो राज्यपाल जो है जिनका नाम क्या हो जाता है, मनोज सिन्हा, उनके द्वारा ये कार्य करवाया गया है भाई, मनोज सिन्हा। ठीक है भाई, समझ गए यहाँ तक, क्लियर है, ओके, बहुत ही बढ़िया, डी बिल्कुल सही आंसर आप सभी का जो है वह हो जाएगा। हाँ पैसे के लिए जी, हाँ बिल्कुल अभिषेक, पैसे के लिए। चलें भाई आगे, अगला सवाल आप लोगों से, अच्छा क्या कहता है, अगला सवाल आएगा भी यहीं से, कहता है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। अच्छा पहले भी क्या करा गया था इसको तोड़कर, कब तोड़ा गया इसको, दो हम कह सकते हैं, एक स्टेट जम्मू कश्मीर उसको तोड़कर दो यूटी के रूप में हम कह सकते हैं बनाया गया, तो कब इसको एक स्टेट को तोड़कर दो यूटी में तब्दील करा गया, टाइम बता देना मुझे। ठीक है, आगे बात करता है, कहता है हाल ही में दिल्ली हट में पहला मोटा अनाज अनुभव केंद्र का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा करा गया है? कहता है हु हैज रिसेंटली लॉन्च और इनॉग्रेटेड द फर्स्ट मोटा अनाज अनुभव केंद्र एट दिल्ली हट। भाई दिल्ली हट ऐसे लिखा गया,
ना, आप नॉर्मल दिल्ली हट लिख सकते हैं। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज जो है वह किया गया है? तो नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि इनके द्वारा करा गया है, या फिर राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्रालय, या फिर मंत्री मंत्रालय के मंत्री इनके द्वारा, अमित शाह या फिर निर्मला सीतारमन। सबसे पहले इनकी मिनिस्ट्री लिख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। जैसे ही मैं लिखूंगी आप लोग आंसर जो है वो एकदम से दे दोगे। तो मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ भाई। निर्मला सीतारमन आप लोगों की किसके अंदर आती है? ये आती है फाइनेंस मिनिस्टर है आप लोगों की, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वह हो जाती है। सेकेंड ऑफ ऑल अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर जो है वे हो जाते हैं, ठीक है। फिर बात करें राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है वह हो जाते हैं। फिर बात करी जाए नरेंद्र सिंह तोमर कौन हो जाते हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वह हो जाते हैं। तो आप लोगों को आंसर पता चल गया होगा, मिनिस्टर जो है वह हो जाते हैं भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा क्या किया गया भाई? इस फेस्ट को ऑर्गेनाइज जो है वह किया गया। क्लियर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ए आंसर आप सभी का यहाँ पर आता जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या भाई क्या 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 आंसर दियो, एक सेकेंड रुकिएगा, है ना, एक सेकेंड। अच्छा 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी होता है। जी हाँ भाई, बहुत बढ़िया। कौन थे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, जरा बताइएगा। 31 अक्टूबर को ये कार्य किया गया था 2019 के अंदर ही। और इसी दिन क्या किया क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी जन्मदिन होता है, जिनकी मूर्ति कहाँ पर लगी है भाई? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर लगी है। क्लियर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा, बहुत ही सुंदर। अगला सवाल, नरेंद्र सिंह तोमर से क्वेश्चन आया, अब नरेंद्र मोदी से भी क्वेश्चन आया है यहाँ पर। क्या कहता है? कहता है इन विच यूटी और स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द नमो मेडिकल एडुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। भाई कहाँ पर इसको ओपन करा गया है, जरा बताएंगे आप सभी। कहते हैं जम्मू और कश्मीर, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप। गाइस देखो, इसको सब क्या समझते हैं, दादर नागर हवेली को अलग और दमन और द्वीप को अलग समझते हैं। ये एक ही यूटी बन चुकी है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर कहता है हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, कहाँ पर इसको जो है, हाँ जी आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। रोहित बिल्कुल सही आंसर दिया आपने कि आयरन मैन के नाम से जो है वह जाना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। और क्या थे, और क्या थे साथ साथ? इसका आंसर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा है, नमो मेडिकल एडुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन करा है। यहाँ पर तो कर दिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को ओपन, एक और स्टेट के अंदर भी करा गया था, कौन सा स्टेट था जरा मुझे बताइएगा। बी, ओके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन आप लोगों को आता भी है, ठीक है। दादर व नागर हवेली सिलवासा के अंदर जा, है ना, कहाँ पर भाई? सिलवासा में, सिलवासा के अंदर इसको क्या करा गया भाई, ओपन जो है वह करा गया है, ठीक है। अब एक चीज जाननी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि और कौन से स्टेट के अंदर जो है वो ऐसा एक मेडिकल कॉलेज, एक नहीं भाई, एक नहीं, तीन तीन मेडिकल कॉलेज को ओपन करा है, तो वे क्या है? तो लिखते हैं भाई, असम एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर क्या करा गया, असम के अंदर पहला नॉर्थ ईस्ट का एम्स को ओपन करा गया। क्या किया गया? पहला नॉर्थ ईस्ट का, जो कि हम कह सकते हैं फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट एम्स जो है वो ओपन करा, यानी कि एम्स हॉस्पिटल को ओपन करा, ठीक है भाई। पहला सवाल ये हो जाता है। दूसरे की बात करी जाए कहाँ पे, असम के अंदर। दूसरा बात करी जाए आप लोगों से, थ्री मेडिकल कॉलेजेस को ओपन करा दो। वहां पर तो दादर नागर हवेली के अंदर एक कर दिया, बट यहाँ पे तीन तीन मेडिकल कॉलेजेस को क्या करा भाई, ओपन जो है, या फिर इंस्टीट्यूट्स को क्या करा है, ओपन जो है वह करा गया। फिर असम के रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं हम आप लोगों से, तो असम के अंदर ऐसा क्या होता है अभी रिसेंटली, तो असम के अंदर बनता है विश्व रिकॉर्ड, जिसको आप बोलते हो वर्ल्ड रिकॉर्ड, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है भाई किसका, बीहू नृत्य का, बीहू डांस का। आप लोगों ने देखा होगा बीहू डांस जो है गाइज, बहुत ही गजब तरीके से किया गया था। 11,304 बीहू डांसर्स ने एक साथ असम के कौन से स्टेडियम के अंदर ये डांस किया था, जरा मुझे बताइएगा। 11,304 डांसर्स ने एक साथ डांस को परफॉर्म करा, बीहू डांस को, और ये विश्व युद्ध जो है, ओ विश्व युद्ध क्या, सॉरी एक्सक्यूज मी, विश्व रिकॉर्ड जो है वह बनाया, बहुत ही सुंदर। मध्य प्रदेश गलत है भाई, ठीक है। उसके बाद बात की जाए, जो हमारी प्रेजिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, कौन है भाई, मुर्मू,
मुर्मू, इन्होंने क्या करा, असम गई है कुछ दिन पहले, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया, वहां पर एक एप्लीकेशन को लॉन्च करा जिसको भरोसा कहा गया, और ये फीमेल्स के लिए जो है वो लाया गया। यानी कि जो SOS मैसेजेस होते हैं ना, जो इंस्टेंट कर दिए जाते हैं, और दूसरा क्या, विदाउट इंटरनेट, विदाउट इंटरनेट मतलब कि अपने जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या फिर इनके रिलेटिव्स होते हैं जिनके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में अपना नंबर सेव कर सकते हैं, 3 नंबर, उनको क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस जो है विदाउट हेल्प ऑफ द इंटरनेट मैसेज जो है वो चला जाएगा। तो भरोसा एप्लीकेशन को जो है वो लॉन्च करा फीमेल्स की प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा क्या करा गया यहाँ पर, दूसरा ये किया गया कि गज उत्सव बनाया गया, यानी कि एलिफेंट का एक फेस्टिवल होता है भाई, एलिफेंट को ही कहा जाता है गज उत्सव, जो है वो सेलिब्रेट करा गया। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या करा गया, फिर जो हम लोग जानते हैं हमारा एक एयर जेट जेट है सुखोई, उनके अंदर 30 मिनट की यात्रा जो है वे इन्होंने असम से ही उड़ान जो है वे भरी, और फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा, और ये हमारी सेकंड महिला हो जाती है प्रेसिडेंट जिनके द्वारा ये उड़ान जो है वे भरी गई, फीमेल प्रेसिडेंट, है ना भाई। तो पहली हमारी महिला प्रेसिडेंट जो है देश की वे कौन हो जाती है, 3 व्यक्ति कर चुके हैं, APJ अब्दुल कलाम कर चुके हैं, ये महिला होगी, और पहली जो हमारी प्रेसिडेंट थी देश की वह है इस सुखोई के अंदर क्या कर चुकी है, उड़ान जो है वह भर चुकी है भाई। तो राइट आंसर, हाँ, करंट अफेयर डेली पढ़ो भाई, आर्मी बॉय, डेली पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, एक दिन से कुछ नहीं मिलेगा ना, एक दिन से आप लोगों को तो माइंड बिल्ड होगा ना, कि जिसको समझ में नहीं आता कि मुझे पढ़ना कैसे है, कैसे कैसे चीजों को कनेक्ट करना है, तब हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा कि समझ में नहीं आता तो फिर समझ में आएगा ही नहीं है। डेली पढ़ो, डेली सीखो, और नोट्स बनाओ, विदाउट नोट्स के कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप लिखोगे नहीं कॉपी में तब तक आप बढ़ोगे नहीं है, सिंपल सी बात है भाई। गुड मॉर्निंग एलेक्स, चले भाई, चलो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, दादर और नागर हवेली में एक बड़ा अच्छा फैक्ट है जो कि निमोनिक से मैं आप लोगों को बताऊं, वो क्या है, तो दादर और नागर हवेली के अंदर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क्स देखने के लिए मिलते हैं। चलो अभी फिलहाल रहने दो इस नेशनल पार्क वाले कंसेप्ट को, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा बिल्कुल, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या आप लोगों से बात जो है वह करी जाती है, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। फिर कहता है आप लोगों से, अच्छा कुछ कुछ चीजें अभी करी गई थी गाइज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो फर्स्ट था तो ये भी फर्स्ट जो है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा क्वेश्चन। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में, आप लोगों का, आप सभी जानते थे कि सबसे लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है रेल का वो कौन सा था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर आ जाता था, बट अब क्या कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, एक और नया प्लेटफॉर्म जो कि अब भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं जो लॉन्च करा है हुबाली, दुनिया में सबसे बड़ा लंबा, या फिर हम कह सकते हैं लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, उसका उद्घाटन कहाँ पर करा गया है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा सवाल बोलता है कि कहाँ भारत में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन जो है वह किया गया है, तो रॉक संग्रहालय यानी कि रॉक म्यूजियम का जो उद्घाटन है वह किया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो है रेलवे प्लेटफॉर्म वो आप लोगों का कर्नाटका के अंदर जो है वे आ जाता है, कहाँ पर भाई, कर्नाटका, है ना जी, कहाँ आ जाता है, कर्नाटका के अंदर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वे बन गया है भाई। PDF आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी और एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, क्यों परेशान होते, क्यों परेशान होते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि कर्नाटका, दूसरे की बात करी जाए कि रॉक म्यूजियम हैदराबाद, हैदराबाद की क्या सबसे ज्यादा फेमस है भाई, बिरयानी, नहीं, यहाँ पे क्या है, हुसैन सागर झील है जो काफी ज्यादा फेमस है, जो कि सिकंदराबाद और हैदराबाद दो ट्विंस शहर को क्या करती है, अलग करती है। तो रॉक म्यूजियम भी आप लोगों का कहाँ पर, हैदराबाद के अंदर जो है वो क्या किया गया है, ओपन जो है वह किया गया है। तो ये दो क्वेश्चन जो कि फर्स्ट फर्स्ट में आ जाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। अच्छा, एक रॉक गार्डन भी है हमारे भारत के अंदर, कहाँ पर है रॉक गार्डन बताना जरा, रॉक गार्डन जो है वो आप लोगों को कहाँ पर देखने के लिए जो है वह मिल जाता है, दीजिए आंसर।
वेस्ट बंगाल? नहीं, वेस्ट बंगाल में एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला जो है वो लगाया गया है। सवाल अगला, क्या बात करता है? कहता है केंद्रीय खाद्य, या फिर हम कह सकते हैं वेयर हैज द यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस ने क्या लॉन्च करा? इंडिया पेविलियन गल्फ फूड जो है उसको ऑर्गेनाइज करा, तो ये कौन सी जगह पर करा गया? फिर बात करता है उत्तर पूर्वी भारत में पहले एम्स का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि मैडम असम के अंदर जो है फर्स्ट एम्स का हॉस्पिटल, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ आने वाला पहला एम्स हो जाता है, वो तो हो गया असम। वो तो क्या हो गया? असम। भाई हमारा रॉक गार्डन जो है वो कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर आ जाता है। कहाँ जाता है? चंडीगढ़ के अंदर जो है वह आ जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएई दुबई, आप इसको कह सकते हो यूएई के अंदर करा गया, फिर आप कह सकते हो दुबई के अंदर किया गया। बहुत ही सुंदर आंसर देते हुए सभी स्टूडेंट, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। रॉक गार्डन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है भाई, ये चंडीगढ़ के अंदर आ जाता है। अच्छा एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट, हम लोग पढ़ते हैं क्या, अभी हम पंजाब पढ़े तो, या फिर हम पढ़े महाराष्ट्र, या फिर हम पढ़े गुजरात, तो अगर हम पंजाब की बात करते हैं क्योंकि पंजाब से ही जुड़ा है, और इसकी बात अगर हम करते हैं चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ राजधानी किस किस की है? हरियाणा की भी है, पंजाब की भी है, खुद चंडीगढ़ यूटी की भी राजधानी जो है वो क्या हो जाती है, वह हो जाती है आप लोगों की चंडीगढ़। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1966 के अंदर जो है वह किया गया था। लिख देती हूँ मैं क्या भाई, मैंने क्या क्या बोला, मैंने ये बोला कि आप देख लो हरियाणा, आप देख लो पंजाब, और आप देख लो चंडीगढ़, ठीक है, तो इन सब की एस्टेब्लिशमेंट डेट, या फिर जो हम कह सकते हैं स्टेट की गठन दिवस है ना, तो वो कब किया गया, 1 नवंबर 1966 के अंदर जो है वह किया गया था। तो ये बात आप सभी क्या रखेंगे, ध्यान में जो है वो रखेंगे अपने, ठीक है, क्योंकि तीनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही जो है वह हो जाती है, ये दो स्टेट और ये एक आप लोगों का यूटी। क्लियर भाई, समझ गए यहाँ तक? अगला, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसका राइट आंसर गुवाहाटी, असम मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। अब क्या बात करते हैं सवाल अगला, कहता है जरा बताइएगा आप सभी, एक अपॉइंटमेंट जो है वे हुई है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है किसे भारतीय जीवन बीमा निगम के नए अध्यक्ष के रूप में जो है वह अपॉइंट किया गया है, टिल 2024 तक के लिए अपॉइंट करा गया, कब तक के लिए, 2024, वही क्या मैडम, जीवन के बाद भी, यानी कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। क्या बात करता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन जो है वे अपॉइंट करे गए हैं। मुख्यालय जरा बताइएगा, LIC का मुख्यालय जो है वो आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिल जाता है, और आंसर भी आप सभी मुझे दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ जी, 2024 तक के लिए। मैम वॉइस कम आ रही है, भाई वॉइस कम आ रही है सभी स्टूडेंट को एक बार बताना मुझे, क्या वॉइस कम आ रही है? डी मेरे पास आंसर आया, सिद्धार्थ मोहंती, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने दिया है। सिद्धार्थ मोहंती को क्या बनाया गया भाई, LIC का नया चेयरमैन जो है वह अपॉइंट जो है वह किया गया है, ठीक है, कब तक के लिए किया गया, 2024 तक के लिए जो है वे अपॉइंट करा गया है। अब इसकी जो रिकमेंडेशन होती है वो कौन देता है, FSIB रिकमेंड करता है इनका नाम, भाई कौन रिकमेंड करता है, तो FSIB जो है वे रिकमेंड करता है, और ये अपॉइंट कौन करता है, यानी कि डिसीजन जो है वो कौन लेता है, तो कैबिनेट जो है हमारी मिनिस्ट्री जो है वो क्या करती है, वह अपॉइंट जो है वह इनको कर देती है। क्लियर यहां तक, वॉइस क्लियर? तो यार आप लोगों को क्यों, कुछ लोगों को क्यों आवाज नहीं आ रही मेरी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो LIC का मुझे हेडक्वार्टर बताइएगा गाइस कि कहाँ है LIC का, कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। क्लियर भी? लो आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा गाइस, एक सेकंड मैं आवाज जो है फिर ऊंची करवा दूं, एक सेकंड रुकिएगा। चलो भाई सर आते ही होंगे, आप इतना क्या करें, इसका आंसर जो है वे दीजिए। अच्छा FSIB की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, तो क्या होती है आप लोगों की, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो, ये इसकी क्या होती है भाई, कम बता रहे हैं, तो क्या है भाई, इसकी
फुल फॉर्म जो है वह हो जाती है। क्लियर भाई, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन ब्यूरो द्वारा इसको क्या किया गया, नाम को रिकमेंड करा गया कि भाई आप इनको क्या कर सकते हो, चेयरमैन जो है वे बना सकते हो। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, कैबिनेट द्वारा जो कमिटी बैठती है उनके द्वारा इनको अपॉइंट जो है वह कर दिया जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज को जो है वो बिल्कुल ध्यान में जो है वे रखेंगे। सवाल अगला कहते किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला है ना माता नी पेछड़ी। भाई देखो क्या है, ये बहुत पुरानी एक आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं, कपड़े पर डिजाइन करना, पेंट करना, बुराई करना, वो इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो इसको GI टैग जो है वे दिया गया है। अब जरा मुझे बताइएगा इसका अर्थ, जो अगर हम बात करें जो स्टेट है वो तो आप लोग आंसर दोगे, और उस स्टेट के अंदर अगर हम इस वर्ड को मीनिंग समझते हैं या फिर इसका अर्थ जो है वे समझते हैं तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, इसका मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा माता के पीछे, माता के पीछे पीछे। तो लिख देती हूं मैं आप लोगों का, माता के पीछे इसका मीनिंग जो है वह निकल कर आएगा। जरा मुझे बताइए राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। अब बात करी जाए कितने साल पुरानी यह आर्ट है ना भाई, तो 300 वर्ष पुरानी, 300 ईयर ओल्ड क्या है भाई, ये आप लोगों की एक आर्ट है जो कि किस पे करी जाती है, कपड़े पर करी जाती है, टेक्सटाइल जिसको आप कह सकते हो, इसके ऊपर परफॉर्म जो है वह करी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जरा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। गुजरात, बहुत ही सुंदर गुजरात, बहुत बढ़िया आंसर है आप सभी का। फिर गुजरात की बात करी जाए तो अभी गुजरात का ही एक नृत्य जिसको कुछ समय पहले यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट के अंदर ऐड किया गया था, वो कौन सा डांस है, वो डांस है गरबा। कौन सा डांस है भाई, गरबा वह डांस जो है वह हो जाता है, जो गुजराती का एक फेमस जो है वे डांस हो जाता है। और डांडिया, गरबा, गरबा तो नहीं डांडिया, बट हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज अब किया जाता है, पहले तो भाई गुजरात का ही क्या हुआ करता है डांस जो है वे हुआ करता है। स्टिल इसको क्या किया जाता है, इसको अब ऑल इंडिया ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जब नवरात्रि वगैरह आती है तो हम लोग देखते हैं। अगले सवाल यानी कि अगली एक अपडेट जो कि गुजरात से जुड़ी है, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर 3D प्रिंटेड हाउस को बनाया गया, किसके द्वारा, हमारी आर्मी द्वारा। क्या लिखोगे भाई, 3D प्रिंटेड हाउस को जो है वह बिल्ड करा गया। और 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पे बनाया गया, तो कर्नाटका के अंदर बनाया गया है ना भाई, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की बात कर दी जाए आप लोगों से तो वे कहां बनाया गया, वह बनाया गया कर्नाटका के अंदर। क्लियर भाई, फिर बात करी जाए आप लोगों से गुजरात के बारे में ही, तो गुजरात की एक और अपडेट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं, इन्होंने क्या करा, ये जाते हैं अहमदाबाद, और अहमदाबाद में जाकर ये क्या करते हैं, हनुमान जी की क्या करते हैं भाई, ब्रॉन्ज की एक मूर्ति का अनावरण कर देते हैं, यानी कि इसको लॉन्च जो है वे कर देते हैं, इनॉग्रेशन जो है वो कर देते हैं। तो ये गाइस किससे है, आप लोगों के गुजरात से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स हैं जो कि आप अपनी कॉपी के अंदर जो है वो राइट डाउन करिएगा भाई। नमस्ते सभी स्टूडेंट्स को, राम राम जी। चलो आगे चलते हैं, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा फिर गुजरात की अगर हम बात करते हैं CM के बारे में, तो CM कौन हो जाते हैं यहाँ के, जरा कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिएगा, हु इज द CM ऑफ गुजरात स्टेट। ठीक, नेक्स्ट कहता है आप लोगों से कि दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्ण पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष जो है वो कौन बन गए, फर्स्ट है इंडिया के, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अन्नपूर्णा की बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा हाइट पर पहुंचे, और दुनिया में जितने भी हाईएस्ट 8000 मीटर ऊंचे जितने भी हम कह सकते हैं पर्वत हैं, तो उसमें से सबसे डेंजरस की लिस्ट के अंदर भी ये अन्नपूर्णा जो है वे आता है, और ये क्रॉस कर चुके हैं उससे भी ऊपर की हाइट। भूपेंद्र पटेल, बहुत सुंदर, सुनियो बहुत बढ़िया। तो ये पर्वत की बात करी जाए कहां से स्टार्ट करते हैं, नेपाल की तरफ से स्टार्ट करते हैं चढ़ाई, कहां से करते हैं मैडम, नेपाल की तरफ से चढ़ाई जो है वे करते हैं। और नेपाल में अभी हाल ही में क्या बने हैं भाई, नए प्रेसिडेंट जो है वे बनाए गए हैं, बताइए भाई, नए प्रेसिडेंट और PM भी अपॉइंट करे गए हैं, दोनों का नाम कॉमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि न्यू अपॉइंटमेंट है, आ सकती है एग्जाम के अंदर, कुछ भी एग्जामिनर तो दे सकता है भाई, करंट का पोर्शन है तो कुछ भी पूछ सकता है। कहता है आप लोगों से कि ये जो है ना दुनिया में 14 हाइएस्ट जो पीक है उनमें से एक है, और डेंजरस पीक्स में से एक है। तो बात करी जाए कौन जो है वे हमारे एक पर्वतरोही है जो कि क्या करते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं
और अपना नाम जो है वह गर्व से ऊंचा करते हैं, वह देश का नाम भी जो है वह भी ऊंचा जो है वह करते हैं। देखो अब अगर हम बात की जाए 8,000 मीटर की बात करी गई है, जो कि 14 हाइएस्ट पीक है, इनकी हाइट्स के बारे में बात की है कि अन्नपूर्णा जो है वो भी एक डेंजरस लिस्ट के अंदर जो है वह आ जाता है। अब इन व्यक्ति ने, पर्टिकुलर इन व्यक्ति ने कितना मीटर जो है वो चढ़ दिया, तो 8,091 मीटर जितनी फतेह जो है इन्होंने हासिल कर ली है। क्लियर? तो बताइए भाई, नरेंद्र कुमार भाई गलत है, नरेंद्र कुमार कहाँ है, नरेंद्र कुमार ये लोग काट दिया। कहता है अर्जुन वाजपेयी इसका करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा। पुष्प कमल बिल्कुल सही है, पुष्प कमल जो है यहाँ के नए आप लोगों के कौन बनाए गए, पीएम बनाए गए, बहुत ही सुंदर। इसका राइट आंसर गाइस क्या है, ए पुष्प कमल। और भाई रामचंद्र पौदल प्रेसिडेंट, ठीक भाई, तो राइट आंसर क्या है, दोनों चीजों के राइट आंसर हो गए। अच्छा अभी भारत के अंदर, भारत में कहां, असम के अंदर एक फोर्थ एशियन खो खो गेम जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, तो उसमें ये रनर अप रहा है, यानी कि उप विजेता रहा है नेपाल। क्या भाई मैडम बोला, फोर्थ एशियन गेम इंडिया में और इंडिया के असम स्टेट के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज किए गए थे, ठीक भाई, तो इसके अंदर विनर रहती है हमारी पुरुष की व महिलाओं की, मेल व फीमेल दोनों टीम हमारी इंडिया जो है वो विनर रहती है। विनर की बात करी जाए तो कौन रहता है, इंडिया रहता है, चाहे मेल की बात कर लो चाहे फीमेल टीम की बात कर लो। बट अगर हम बात करें आप लोगों से, एशियन खो खो गेम था भाई, ये तो लिखा ही नहीं मैंने, खो खो गेम था, और रनर अप जो है वे कौन रहता है, यानी कि उप विजेता जो है वो कौन रहता है, रनर अप आप लोगों का नेपाल कंट्री, ठीक है भाई, काठमांडू राजधानी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अर्जुन वाजपेयी बिल्कुल, राधे राधे रिंकू, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। सवाल अगला, कहते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज जो है वे कौन बन गए, यानी कि देखो क्रिकेट जगत से ज्यादातर कौन जुड़े हैं, बॉयज जो है वे जुड़े हैं, तो मैं आशा करूंगी इसका आंसर जो है वो आप सभी सही सही जो है वह दे दो मुझे, जल्दी से बताएंगे भाई इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। 12,000 रन पूरे करने वाले, इंडिया की बात की जाए, ये एशिया का सवाल है, इंडिया की बात की जाए तो ये खिताब किसके पास है, विराट कोहली के पास है। एशिया की बात आप लोगों से सवाल कर रहा है और एशिया में इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक करा भाई हमारे लेजेंड सचिन तेंदुलकर का, ठीक है, और पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी है भाई, उनका जो रिकॉर्ड है वे ब्रेक करा इन्होंने। आफ्टर अगर खाली हम इंडिया इंडिया की बात करते हैं और रीसेंट की बात करते हैं तो कौन है, विराट कोहली। ठीक है, तो अभी बताएंगे जरा आप सभी कौन ये हो जाएंगे, हाँ जी एग्जैक्टली बाबर आजम हो जाते हैं, और बाबर आजम जो है वो पिछले वर्ष यानी कि 2022 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है यानी कि खिताब जो है वे प्राप्त कर चुके हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, पाकिस्तान के भाई बल्लेबाज हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान बैट्समैन है, बैट्समैन बैडमैन हो गया था भाई सॉरी बैट्समैन, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबर आजम बिल्कुल ठीक है, सी हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है भाई, नहीं केन विल्सन नहीं है इसका आंसर, चलो आगे चलते हैं, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल अगला क्या बात करता है आप सभी से, कहता है हु वॉन द गोल्ड मेडल एट द 23 या फिर 2023 बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप इन द मेंस डबल कैटेगरी। और देखो भारत को इस चीज का काफी लंबे समय से इंतजार था, है ना, भारत को इसको काफी लंबे समय से इंतजार था, करीबन 64 वर्ष बाद भारत क्या कर रहा है, मेंस डबल के अंदर खिताब जो है गोल्ड मेडल जो है वो लेकर आता है। कौन वे दो खिलाड़ी हैं जबरदस्त से जरा मुझे बताना, गोल्ड मेडल लाने वाले कौन सी गेम, बैडमिंटन के अंदर, अच्छा बताइए, देखा मैंने भाई देखा आईपीएल का बवाल, बताइए भाई बताइए भाई, सवाल का आंसर देंगे आप सभी, क्या इसका आंसर जो है वे बन जाएगा, ए ओके
ए मेरे पास आंसर आ रहा है भाई, स्वास्तिक राज, बिल्कुल ठीक है, और चिराग शेट्टी, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, ए बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा। और ये काफी लंबा एक इंतजार है भारत की तरफ से कि स्पोर्ट्स में भारत क्या कर रहा है, ऐसा मेडल जो है वह लेकर आ रहा है, करीबन 52, 64 बोल दिया था ना मैंने, सॉरी, करीबन 52 वर्ष बाद, 52 ईयर, 52 ईयर्स बाद ये गाइस क्या हुआ है, अवार्ड जो है, खिताब जो है वह भारत लेकर आया है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, अभी हाल ही में कौन सी हमारी टेनिस की खिलाड़ी है, तो बैडमिंटन का सवाल था, मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी टेनिस प्लेयर है हमारी जिन्होंने क्या करा है, रिटायरमेंट अपनी ले ली है, कौन है? बड़ा दुख दुखद एक बात है कि भाई एक ऐसी प्लेयर हमारी इंडियन जो कि संन्यास ले चुकी है टेनिस प्रतियोगिता से, वह कौन है? दीजिए आंसर। बहुत बढ़िया, तो ये महिला हो जाती है हमारी सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा। ठीक है सर, ठीक है भाई सभी को, चलो। कन्हैया भाई आपके कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, है ना, जरूरी थोड़ी ना कि हरी कमेंट जो है वो मैं लूँ, जरूरी नहीं है, जो मुझको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई रेलिवेंट है कमेंट, या फिर लगेगा मुझे आंसर जो है वो आ रहे हैं वो मैं लूंगी ना, बिल्कुल। तो आप इस बात को समझो, पूरा मानने वाली क्या बात है इसके अंदर, है ना, बताइए। देखा भाई देखा, ठीक है चलो आगे चलते हैं। कहता है जरा बताइएगा कि राजनाथ सिंह जो कि हमारे कौन है भाई, रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या करा है, वे यात्रा पे गए थे भाई, क्या हुआ, 3 डेज के एक टूर पर निकले हमारे राजनाथ सिंह, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने मालदीव्स, एक सेकेंड, क्या है, हाँ जी हाँ, राजनाथ सिंह की यात्रा के दौरान भारत मालदीव्स के राष्ट्रीय रक्षा बलों को क्या उपहार देता है, यानी कि क्या है भाई, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वे क्या करते हैं, वह 3 डे टूर पर निकलते हैं, ठीक है, और मालदीव्स पहुंचते हैं, और उनका जो डिफेंस सिस्टम है उनको गिफ्ट देते हैं, क्या गिफ्ट देते हैं भाई जरा मुझे बताइएगा, सबमरीन दे देते हैं, पनडुब्बी दे देते हैं, भाई अपना डिफेंस स्ट्रांग करो। और मालदीव्स क्या है, हमारी एक नेबरिंग कंट्री है भाई, आप सभी को पता है क्या है भाई, एक नेबरिंग, एक पड़ोसी देश जो है वह हमारा हो जाता है। बट हम कह सकते हैं कि ये कैसा पानी वाली सीमा को साझा करता है भारत के साथ, श्रीलंका और मालदीव, तो क्या देता है, एक फाइटर जेट दे देता है भारत, या फिर क्या करता है, क्या पॉइंट जो है अगर हम बात करें भारत जो है वो प्रोवाइड करता है, ना तो सबमरीन देता है भाई, नहीं देता, कह रहा है हमारे पास ही बहुत है, INS विक्रांत है, INS हम कह सकते हैं, बहुत सारे हमारे INS हमारे पास हैं, हम नहीं देते, हमें हम अपने ही प्यारे हैं। फिर क्या कहते हैं, एयरजेट, नहीं, तेजस वेजस तो हम दे ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, है ना, ना तेजस दे सकते हैं, ना सुखोई दे सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं देंगे। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं चलो तुम ले लो एक फास्ट पोर्टल वेसल शिप एंड एक लैंडिंग क्राफ्ट, ये दे देते हैं हम किसको भाई, मालदीव्स को। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर भी, समझ आ गया आप सभी को, समझ आ गया, चले आगे, बहुत ही सुंदर, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर गाइस हमारे यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि एक फास्ट पेट्रोल और हम क्या देते हैं, एक लैंडिंग क्राफ्ट जो है वह दे देते हैं भाई। कहता है 1 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस बनाता है भाई, देखो क्या है, 1 मई को हम सभी जानते हैं, हमने कल भी जाना कि क्या बनाया गया, लेबर डे जो है वे बनाया, है ना, क्या बनाया भाई, लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस जो है वे बनाया। अब इस मजदूर दिवस का मैंने आपको बताया था कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से है, ना, जो कि मजदूरों के अधिकारों के लिए, हित के लिए क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया गया है। फिर बात करते हैं, हाँ अदर एक्सपेंसिव ज्यादा है भाई, एक्सपेंसिव तो सारे के सारे डिफेंस सिस्टम है, आपको पता है हमारा भारत अभी आई सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार क्या करता है, सबसे ज्यादा अपने डिफेंस पे खर्च करता है, और वो रैंक के अकॉर्डिंग आ रहा है 4थे नंबर पे हमारा इंडिया, ठीक है, तो एक्सपेंसिव चीजें तो हैं भाई हमारे इंडिया के अंदर बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा हमारे डिफेंस को स्ट्रांग करने के लिए भी आपको पता है बजट वगैरह पेश किया गया है, उसमें मेंशन भी करा गया कि भाई इतना जो है वो लागत लगाई जाएगी हमारे बजट में। तो अभी अगर हम बात करें, ये दो सवाल हमारे बन जाते हैं, सबसे पहले हम मजदूर दिवस को उठाते हैं, ये कब बनाया जाता है मैम, 1 मई को बनाया जाता है, ठीक है जी।
फिर बात करी जाती है कि इसका संबंध ILO से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका गठन किया गया था अप्रैल के अंदर ही, अप्रैल 1919। आंसर तो कोई बात नहीं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसका मुख्यालय कहां पर है? जनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा पॉइंट। आफ्टर दैट क्या होता है, ये हो गया। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को पीस के लिए 1969 के अंदर क्या मिला भाई? नोबल भी मिल रखा है 1969 के लिए। शांति के लिए क्या मिला भाई? नोबल पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है वे दिया गया। कौन सा अवार्ड भाई? नोबल। और आप सभी जानते हो नोबल अवार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टिल अब मुझे बताइएगा कि जो नोबल अवार्ड है शांति का, वे कौन देती है? कौन सी गवर्नमेंट देती है? स्वीडन देती है, नॉर्वे देती है, कौन सी गवर्नमेंट जो है वो देती है? फिर आते हैं भाई, 1 मई को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस जो है वे बनाता है? तो गुजरात व महाराष्ट्र। क्या बनाता है भाई? गुजरात व महाराष्ट्र जो है वो अपना एस्टेब्लिशमेंट डे जो है वह क्या करता है, बनाता है। इसको गठित किया गया था गाइस 1 मई 1960 के अंदर। कब भाई? 1 मई 1960 के अंदर इसको क्या किया जाता है, इसको गठित जो है वे किया जाता है। अब इस बारी इसने अपना 64th हुआ एस्टेब्लिशमेंट डे, और फाउंडेशन डे आप कह सकते हो, 64th फाउंडेशन डे जो है वह सेलिब्रेट जो है वह करा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात बिल्कुल, और महाराष्ट्र जी नॉर्वे देती है। काफी सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं मैम नॉर्वे देती है, काफी सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं मैम स्वीडन जो है वह देती है। भाई एक बार डिसाइड कर लो, फिर मैं बताती हूँ कौन देता है कौन नहीं देता है ना। अच्छा, नोबेल प्राइज किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है, जिन्होंने क्या बनाया था, स्मोकलेस डायनामाइट को जो है वे बनाया था। अब इससे क्या हो, इससे पता चला कि बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। फिर उन्होंने अपनी वसीयत में राइट करा कि क्या है भाई, जो कुछ क्षेत्र, यानी कि 5 क्षेत्र उन्होंने बताए पहले, इनिशियली कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि आप कह सकते हो फिजियोलॉजी, लिटरेचर, और आप लोगों का एक और हो जाता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला है ना, कोई भी हम कह सकते हैं कंट्री से, कोई भी देश के लिए, कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए कुछ ऐसा काम करता है, डिस्कवरी करता है, तो उनको क्या दिया जाएगा, नोबेल प्राइज से नवाजा जो है वह जाएगा। ठीक है, नोबेल प्राइज से जो है वह नवाजा जो है वह जाएगा, तो तब से दिया जा रहा है। उसके बाद पीस का अवार्ड भी, शांति का अवार्ड भी जो है वो भी जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल? गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक भाई, चलो आगे चलते हैं। कहता है आप लोगों से इस सवाल को, आप सभी, क्या टाइम हो गया भाई, मेरे पीछे क्लास भी है, हो गया ऑलमोस्ट। कहता है राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल जो है वो कौन सी है? देखो क्या है, बहुत सारे, अभी आपने देखा था कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर लैंड डिस्प्यूट जो है वे आया था, रिवर का डिस्प्यूट जो है वह चलता रहता है। तो अब क्या होता है कि राज्यों के बीच में एकता, यानी कि यूनिटी बनाने के लिए, कि भारत सरकार द्वारा शुरू करी गई एक इनिशिएटिव, एक पहल है, उसका नाम जो है वो क्या है? कहते हैं सबके साथ सबका विकास, सब साथ चलेंगे तो सबका विकास होगा, ये इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक ही भारत और श्रेष्ठ भारत है, डिजिटल इंडिया, भाई ये तो प्रोग्राम है मेरे भाई। कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान से क्या होगा भाई? एकता की बात करी गई है, ये भी एक इनिशिएटिव है भाई, ये भी एक प्रोग्राम है। ठीक है, स्वच्छ भारत 2014 के समय पर स्टार्ट किया गया था, तो मुझे बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर जो है, हाँ इकोनॉमी रह गया था जी, एग्जैक्टली रोहित, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, इकोनॉमी रह गया। तो राइट आंसर बताइए भाई, क्या इसका राइट आंसर जो है वह बन जाएगा? अब मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को गृह कार्य लेके जाएं, यानी कि होमवर्क क्वेश्चन लेके जाएं, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई क्लास आप लोगों को कैसी लगी। होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों का यह हो जाएगा, और इसलिए देके जा रही हूँ ताकि आप लोग आंसर भी दें अपना, और अगर आपको नहीं आता तो आप सर्च करें, इसको सर्च करोगे तो क्या होगा, नॉलेज जो है वो एनहेंस आप लोगों की खुद की होगी, और आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, और मुझे भी बड़ा मजा आएगा पढ़ाने में कि हाँ भाई चलो ठीक है, जो मैं पूछ के जा रही हूँ उसके आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में दिख रहे हैं। बाकी क्लास आप सभी जरूर बताइएगा, आप सभी के साथ क्लास जो है वो हम लोगों ने ली, और अभी के लिए जय श्री कृष्णा सभी स्टूडेंट को, मेरी एक इसके पीछे जस्ट 9 बजे क्लास है ना, 1 मिनट रह गया है, वो भी क्लास स्टार्ट करनी है। अभी के लिए धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं आप लोगों से वापस से कल 8 बजे सेम प्लेस पर। अभी के लिए धन्यवाद।